हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजन हो तो ऐसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस विधि को सीखने के लिए, हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजन हो तो ऐसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आंवला का मुरब्बा बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल ही साधारण विधि से बताऊंगा ताकि आप अपने घरों में आसानी से बना सकें। तो आए चलते हैं, आज के हम इस स्टेप बाय स्टेप साधारण विधि से आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे भी आप समझ लें, आंवला चाहे किसी भी रूप में खाएं, फायदेमंद चीज़ ही है, सेहत के लिए आपको लाभदायक है। तो आगे चलते हैं, किस तरह से हम बनाएँगे आगे आपको बताते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको बता दूँ, जो आपने सामग्री देख रहे हैं वो पहले ही इंतजाम कर लें, जैसे कि आंवला हो गया, फिटकरी हो गया, गुड़ हो गया, और ये छोटे से आपको कटोरी में दिख रहा हो काली मिर्च, सौंफ, इलायची, ये थोड़ी थोड़ी इस तरह से ले लें। यहाँ पर मैं अप्रॉक्स 500 ग्राम आंवला का मुरब्बा बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये सामग्री इस तरह से लें और आगे कार्रवाई इस तरह से करें। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, जो मैंने आंवला इसे अच्छी तरह से धुलाई कर लें, धुलाई करने के बाद में इसमें छेदा करना है, इस तरह से कांटे वाला चम्मच या किसी भी चीज़ से जो छेदा कर सके, उसे इस तरह से सभी आंवले के अंदर छेदा कर लें। यहाँ पर सभी में सुराख करने के बाद में इस तरह से पानी जो है से कि बॉयल कर लें किसी बर्तन में, और इसके बीच में छेदा किया हुआ आंवला को डाल दें। डालने के बाद में इसे थोड़ी देर इसमें बॉयल होने दें, तो इस तरह से दो चार मिनट इसे इसमें बॉयल होने देते हैं। और एक ख़ास बात, जो फर्स्ट टाइम में जो आंवला इसमें डालेंगे तब पानी पूरा बॉयल हुआ होना चाहिए। अभी कुछ टाइम के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, और इसके बीच में जो फिटकरी लिया था, फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा इसमें डाल देते हैं, जिससे इसमें से जो कसाइंदा होता है वो निकल जाएगा। अब इसे हम ढक देते हैं। यहाँ पर देखें, लगभग 5 मिनट इसमें बॉयल होने दिया है, इस तरह से देखें बॉयल हो गया। अब इसे पानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। यहाँ पर देखें, छन्ना में इसे पानी से अलग कर दिया हूँ, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस तरह से कढ़ाई ले लें, बॉल ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, ले करके इसे गर्म होने दें। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, इलायची, इसके बीच डाल दें और इसे थोड़ा तल लें। और तलने के बाद में इसे निकाल करके दरदरा मोटाई से हम कूट लेंगे, इस तरह से कूटने वाले खल ले लें और इसमें कूट लें। तलने के बाद इसको निकाल लिया, और इसमें थोड़ा पानी लेकर इसे हम अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे। जो गुड़ लिया था इसके बीच हम डाल करके इसे हम पिघलने देंगे, और ध्यान रखें गुड़ का जो रेशियो, जितना आप आंवला लेते हैं उतना ही गुड़ भी लिया जाएगा, यहाँ पर खास बात ध्यान रखें। और इसे हम पिघलने देते हैं, गर्म होने के बाद में गुड़ जो है बिल्कुल पिघल गया है, और इसे छन्नी में छान लें ताकि गुड़ के अंदर कुछ भी अनवांटेड चीज़ होगा, कंकड़ उंकड़, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि इसमें देखें, छान लें, यहाँ पर देखें छानने के बाद फिर इसे हम गर्म होने देते हैं, बॉयल होने देते हैं। और दूसरा साइड देखें, जो आंवला जो बॉयल किया था, देखें कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा कलर हो गया चेंज। और इसे हम पानी को, इसमें थोड़ा बहुत जो पानी होगा उसे कपड़े में से साफ कर लें, इसमें पानी का बिल्कुल मात्रा ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा।
यहाँ पे कपड़ा से इसको पानी को साफ कर लिया गया, और जब इस तरह से बॉयल होने लगे गुड़, इसके अंदर आंवला को डाल दिया जाएगा। इस तरह से डाल लें, देखें बिल्कुल ही साधारण विधि से आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप आसानी से घर में बना सकते हैं, जैसे बाज़ारों में बिकता है उस तरह से आप बना सकते हैं। और इसमें अभी से हम पकने देंगे, और जो यहाँ पर देखें कूटने के लिए बताया था खल में मोटा दरदरा, उससे भी इसमें हम डाल दिए, और इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें जो आंवले के ऊपर मोटा दरदरा पड़ा हुआ था वो अच्छी तरह से सभी आंवलों में मिक्स हो गया। और मैंने पहले आपको बताया था कि जो इसमें छेदा किया गया था, अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों छेदा किया गया होगा, क्योंकि जो गुड़ का टेस्ट होगा उसके अंदर अच्छी तरह से पेम जाएगा, अच्छी तरह से अंदर चला गया जाएगा। अब इसी तरह से इसे हम कुछ देर के लिए पकने देते हैं, कितना पकाना है आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, और इसे भी हम ढक देते हैं। ध्यान रखें जब इसे हम पकाएंगे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दीजिएगा, कहने का मतलब धीमी आंच पर आप इसे पकने दें, तेज बिल्कुल नहीं करना है, और धीमी आंच पर ही कम से कम 20 से 25 मिनट इसे पकने देंगे। तो यहाँ दोस्तों देखें लगभग 25 से 30 मिनट बाद इस तरह से आपको हो जाता है, अगर नहीं होता थोड़ा और ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ में आप कितना पानी डाल रहे हैं उसी के अनुसार ये जब इस तरह का चाशनी बन जाए तो समझिए कि हो जाएगा। और दूसरी बात, इसका जो आंवला का कलर भी बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा, देखें आप देख रहे होंगे बिल्कुल कलर चेंज हो गया, तभी ये मुरब्बा जो अपना फिनिशिंग फाइनली बन करके तैयार हो गया। अब इसे महीना दो महीना के तक भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसे करना क्या पड़ेगा, कांच के जार में रखिए जिससे कि आपको बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता। मुरब्बा ही नहीं, कोई भी अचार भी आप कांच के बर्तन में रखेंगे तो ख़राब नहीं, उसी तरह इसे भी हम कांच के जार में रख रहे हैं, देखें ताकि यह महीना दो महीना तक आप जितना दिन तक खा सकते हैं रख करके खा सकते हैं। देखें ठंडा हो गया है, ठंडक पे रखे तो अब इसे हमें कांच के जार में डालेंगे। इस तरह से डाल दें, कितना दिन रहेगा ये ख़राब नहीं हो पाएगा। ये लास्ट फिनिशिंग जो है कि समाप्त हो गया दोस्तों, आप इस तरह से घर में अपने आंवले का मुरब्बा बनाएं, जो किसी भी प्रकार से बनेगा आपको ख़राब नहीं लगेगा और न सेहत के लिए नुकसान होगा, हमेशा यह फायदे ही करेगा। फाइनली दोस्त आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, ओके थैंक्स।